जदयू राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक है, 3 बजे से यह बैठक होगी और बैठक को लेकर पार्टी कार्यालय में पूरी तैयारी हो गई है। जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग यहां तैनात हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू है, क्या स्थिति है? अभी 3 बजे से रजिस्ट्रेशन। कितने बजे होगा? 2 बजे से। 2 बजे लोग आना शुरू हो गए क्या? लोग तो आ चुके हैं लेकिन अभी यहाँ आना शुरू होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी हैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो हैं। और जदयू कार्यालय में सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल को सुबह से ही लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में पुरुष और महिला जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको लगाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे और जदयू के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचेंगे, मंत्री से लेकर सभी सांसद विधायक और जो जितने पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो सब आएंगे। और देश में जो दूसरे राज्यों में जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 23 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहुँचेंगे। और पार्टी कार्यालय के बाहर जो है बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, न्याय के साथ विकास, कानून का राज, यह मुख्यमंत्री का रहा भी है, मुख्यमंत्री के तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कानून के राज की बात। और प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच की नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था, उसका कई बार मुख्यमंत्री जिक्र भी करते हैं। देखिए कई पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। कहां से आप आए हैं? बलिया से। इसलिए आप आए हैं? आज हम लोग का नेशनल कॉन्फ्रेंस है जेडीयू का। सदस्य हैं आप? सदस्य पहले हुआ करते थे, आज नहीं। कब क्यों आए हैं आप? अपने नेता से मिलेंगे, मिलकर अपनी बात करेंगे कुछ जो भी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजय सिंह, प्रदेश के हम जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। यूपी में तो चुनाव भी इस बार होना है, आप लोग की तैयारी है? भरपूर है, लड़िएगा आप लोग। बिल्कुल भरपूर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव निकालेंगे भी वहाँ से, क्योंकि वहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बसपा से लोग उठ चुके हैं। बीजेपी से तो गठबंधन होने की बात हो रही है? बीजेपी से गठबंधन हो जाता है तो बढ़िया है, मतलब गठबंधन हो जाएगा तो हम लोगों की जो सीट है वो सीट हम लोगों की तो मजबूती से निकलेगी, लेकिन बीजेपी जहाँ अकेले लड़ेगी वहाँ संभावना कम है। तो देखिए बलिया से आए हैं और भी कई लोग हैं, हालांकि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं लेकिन अपने नेता नीतीश कुमार से मिलने आए हैं और इनका यह भी कहना है कि यूपी में जदयू मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो पार्टी कार्यालय के बाहर यह तस्वीर है, हालांकि बैठक 3 बजे से शुरू होगी और 2 बजे से, जैसा कि पार्टी के पदाधिकारी जो गेट पर हैं उन्होंने कहा है कि 2 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 250 के करीब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लोग शामिल होंगे। तो यह बड़ी बैठक है और इस पर सबकी नज़र है। अविनाश।